इस बार इलेक्शन मैं ही जीतूंगा। लेकिन बॉस, इस बार तुम्हारे मुकाबले पे राधे मोहन है। राधे मोहन? राधे मोहन तो फिर ठोक दे साले के मुंह में 12 इंच का गोला गंडा। ओके बॉस। अबे क्या सोच रहा है फिसल पट्टी? मैं ये सोच रहा हूँ यार, राधे को वोट कौन देगा? अबे जब राधे को लोग गालियां देते हैं तो वोट भी दे ही देंगे ना। मैंने तो राधे को वोट दे दिया है, बस दुआ कर कि वो जीत जाए। राधे, तेरी खूबसूरती का राज क्या है यार? मैं रोजाना ऊंट मार के साबुन से नहाता हूँ। राधे एक बात बता। बोल। भैंस काली होती है, दूध सफेद क्यों देती है? छोड़ना यार। अब ऐसे नहीं आता जवाब, नहीं आता वे। दूसरा पूछ ले। मैं इम्तिहान ले रहा हूँ। चुप करके उसके सर में लाल बेग तलाश कर यार। क्या कर रहा है राधे, एक बात बता। दुनिया देख ली? हाँ। तो मर जाना यार। ऐसी जोक किया यार। राधे जान किसको देगा? अल्लाह को। खाल मुझे दे दियो। तुमको मजाक के अलावा कुछ नहीं आता यार? आता है, बहुत कुछ आता है यार, कोई करने नहीं देता। राधे बहुत डरपोक है यार, तू भागा क्यों?
भागना पड़ता है। क्यों? उनकी जान देगी थी, हम लोग कुत्ते की तरह पिटते ऐसे। यार मजाक, वो तो अच्छा हुआ मुझे पता नहीं चला, वरना मैं तुम लोग के साथ ही नहीं आता। बहुत अच्छे। अच्छा चल यार, चल के कहीं चरस वरस पीते यार। चला जाओ चला। गफ्फार के घर में पड़ गया छापा, मुझे दे दो चाय और पापा। ये लो राधे। थैंक यू। दो चार और ले लो राधे। दो चार हाथ हो तो और ले लो, ताकि मोहल्ले में जाके छिछोर पा ना करो। क्या छिछोर? क्या किया है भंगियों ने? बिला वाले हड़ताल किए? और राजेश के साथ क्या किया तूने? क्या किया मैंने? सिर्फ उसका नाला लटक रहा था, मैं सिर्फ खींच के भागा। बस बस पूरी बस उसे देख कर हंस रही है, और इसका बस ये तो टिकट लगाने लगा था उसमें। और रुकैया के बेटे जीवन के साथ क्या किया तूने? क्या किया? उसने खुद कहा था कि मार कर दिखा, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने लिखने वाला मार कर दिखाने को बोला था और इसे चमाट घुमा दिया। तो मुझे क्या पता? अरे छोड़े इन बातों को। हाँ राधे, तू पेट भर के खा। पेट भर के खा? पेट है उसका? कमर के बाद तो डायरेक्ट कुल्ले शुरू हो जाते हैं, और खैर ये पेट भर के खा। माँ ने भी इतना खिलाया मगर एक बोटी भी न चढ़ सकी इस पे। तो मुझ पे बोटी कैसी चढ़ेगी भैया? मैं तो पैदा ही मंगल वाले दिन हुआ था, गोश्त का नागा होता। चुप हो जा नागे के बच्चे, और दफान हो जा मेरी नजरों के सामने से। ये रहे आप पापे, ये रही आपकी चाय। ले बेटा, खाना मिस नहीं करता। रुक राधे, तू क्या समझता है मैंने देखा नहीं? राधे आपको भी पता चल गया, ले लीजिए। रुक तो सही राधे। बस खत्म हो गए पापे। राधे बस बस बस, आपने अच्छा नहीं किया। उसने बड़ा अच्छा किया मेरे साथ। सुबह सुबह मैंने बाथरूम में बोला एक राधे एक लोटा पानी तो ला दे, तो उसने क्या किया? गीजर में से गरम गरम उबलता हुआ पानी ले आया। वो तो शुक्र करो मैं थोड़ा बहुत सैयद हूँ, वरना तो डॉक्टर को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता। खा बेटा तू तो खा। सिगरेट पीता है पड़ा हुआ किसी दिन गटर में हीरोइन चिकन बच्चा। ए निर्जरा, ये जो बैठा है ना, एक नंबर का टपोरी है। तुम्हें पता है हर लड़की को आते जाते छेड़ता रहता है। कोई कुछ कहता नहीं इन्हें। अरे कोई क्या बोलेगा, पता है जो कोई कुछ बोलता है ना उसके ऊपर गटर का पानी फेंक के भाग जाता है। ए राधे, नया चूजा यार, इसे क्यों बता रही? क्या बिल्ली है? तुम इसकी तरफ मत देखो, नीचे मुंह करके चलो। सुनिए इधर आइए। ए लोकल ट्रेन, निकल निकल निकल, क्या देखती है निकल। अरे ओ कराकरम एक्सप्रेस, नानी तेरे को बुला रही है। आप नहीं आइए, मुझे जानती है, पूरा इलाका मुझे कुत्ते का बच्चा बोलता है। इस मोहल्ले का सबसे बड़ा लानती हूँ। नाम क्या है आपका? सर निर्जरा। मतलब? मालूम नहीं। किसने रखा है? मेरी माँ ने। कल अपनी माँ से पूछ कर आना। सर वो तो मर गई। ओ, बाप जिंदा? जी सर। उसे भी मार दो, वो दुनिया में रहकर क्या करेगा? कल अपने बाप से पूछ कर आना। ये क्या? सर ये बुक है। रहने दे, क्या करेगा इंग्लिश में? छोड़ना है। झाड़ू? सर इससे मुझे याद रहता है कि मैं जमादार की बेटी हूँ। अच्छा तो तुम मंगन हो? जी सर। हो क्या? पकोड़े मुझे बहुत पसंद है। ये मत समझना कि मैं बंगाली का बच्चा हूँ। राधे मुझे भी दे आधे। क्या कर रहा है ये? इधर नहीं यार, पीछे साफ कर दे। नहीं नहीं सर इससे नहीं, वरना इससे आप और मनहूस हो जाएंगे।
लीजिए। बड़े बड़े अच्छे हैं, मुझको भी खिलाना, मुझको कैंसर है, खाने से हो जाएगा। रोजाना आता जाते में लानत दे दी जाना। ओके सर, लानत है सर। जा सर। सर मेरा डिब्बा। ले चल निकल। सुनिए इधर, जब ये झाड़ू एक की दो हो जाए ना, एक इसे दे देना। ये क्या कुत्ते की तरह मुंह मार रहा है? ना तो तू मार रहे है। हाँ, और चा का क्या हुआ है चाचा? ला रही है, ला रही है। अल्लाह माफ करे, मुंह देखो चाचा का। बाबा आ गए मेरी बच्ची, ये ले चाय। ले पकड़। ओ मेहरबानी। बाबा ये निजरा का क्या मतलब होता है? निजरा का मतलब ले हंसना होता है, बता दिया। बाबा बताओ ना, निजरा का क्या मतलब होता है? बता दूंगा, कोई मुश्किल थोड़ी है। और ना तो जब आसान है तो बताता क्यों नहीं है? ना तो तू बता दे। क्या निर्जरा का क्या मतलब है? लेते निर्जरा का मतलब है निर्जरा। नहीं नहीं मैं बताता हूँ, निर्जरा का मतलब है किसी नर बंदे के साथ जिरा करना। तेरी शक्ल पे जिरा करना। मैं बताता हूँ मेरी बच्ची, निर्जरा का मतलब होता है कोई खुशबूरत जमादार। कौन सी? बकवास बंद कर। निर्जरा बहुत ही खुशबूरत जमादारनी को कहते हैं, जिस वक्त वो सड़कों पे झाड़ू लगाती है तो लोगों के मजमे लग जाते हैं, लोग यूं खड़े हो जाते हैं सार रोक के। ये सांस तो ना रुकी, तुझे कब्ज हो गई है। अच्छा बाबा मैं समझ गई हूँ, निर्जरा का मतलब खूबसूरत है ना, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, हाउसफुल, गटरफुल। ओ वाह, भंगी फैमिली, अंग्रेज फैमिली हो गई। नहीं वैसे एक बात है बाबा, तेरी बेटी बड़ी समझदार है, यूं समझती है। ना तो तूने उसे अपनी तरह समझ रखा है, हा? किसी पथरीली औरत के गंजे बच्चे। चल जा जाके नाजम साहब के घर का गटर बंद हो गया, सफाई कर उसकी। जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो भाई। क्यों? वो वंजी टूट गई है ना, उसकी जगह तुमको इस्तेमाल करना है। अच्छा नहीं, क्या तो चला जाओ लाठी, जा ड्यूटी कर। और इज्जत करता हूँ तुम्हारी मैं, तुम हो भंगियों के काउंसलर, नहीं तो सुनाता तुमको मैं। चल। ओहो बस करें आज काम को। आज आपको पता है राधे की सालगिरह है। हाँ, आज के दिन वो आजाद हुए थे। ऐसा करते हैं कि आज कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और केक काटेंगे और बहुत सारी मोमबत्तियां जलाएंगे। अरे भाई उसकी सालगिरह पर मोमबत्तियां नहीं, अगरबत्तियां जलाएंगे, केक की जगह पपीता काटेंगे और खाने की जगह चने बांटेंगे। चने क्यों? आपको पता नहीं उसकी सालगिरह और मेरी माँ की बरसी एक ही दिन है। असल में जब वो पैदा हुआ था, पैदा होते ही मेरी माँ मर गई थी। छोड़े ना, इस खुशी के मौके पर आप क्या बातें ले बैठे, चले चल के उसे उठाते हैं। चलो क्लिफ्टन चलते हैं, आज झूला झूलेंगे। राधे पैसे झूला घुमाए ना। किस बात के पैसे? झूले झुलाने के पैसे। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमा देता हूँ। वो भाई तू जब आता है यही कहता है कि अब की दफा मैं दूंगा, ला पैसे निकाल। पहले भी आया था पैसे नहीं दिए थे, वरना राधे का आधे बना दूंगा। निकाल पैसे। तमीज से क्या पैसे झूले के? क्या हो रही है वो भाई? ये जब आता है झूला झुला के ले आता है, बच्चे को पैसे वैसे नहीं देता। पैसे तो तू लेके आता है भैया, अक्सर उसमें बैठ जाते ना। देख रही हो अपने राधे की हरकतें। कितने पैसे हुए? 90 रुपए। ये लो। ला, शुक्रिया। चलो चलिए, चलो मैं झूल के आता हूँ।
चल भैया। पहली मरतबा देता हाथी पर लोहे का गधा। चलो पैसे दे, पैसे मेरे। चल अबे, गोश्त लेके पैसे नहीं देगा क्या? एक हफ्ता हो गया। कौन सा गोश्त? कितने पैसे हैं तुम्हारे? अबे भाई 300 रुपए मेरे गोश्त लेके गया है। किससे भी उधार कर लिया? किस किस से उधार करेगा तू? कितने पैसे हैं तुम्हारे? 300 रुपए। 300 ये ले और देख के गोश्त दिया करो कि अगले के मुंह पे भी गोश्त है कि नहीं। चल तू चल। लेकिन भैया आपने 300 रुपए ज्यादा दे दिए। क्यों? इस पे तो जुर्माना होना चाहिए था। क्यों? ये गधे का गोश्त बेचता है। क्या बकवास। सुनिए। लानत है सर। थैंक यू। आइए। मैं अच्छा तो आप बरकत मसीह की बेटी हैं? हाँ, हम खानदानी जमादार हैं। बाबा कहते हैं हम सदियों से इस इलाके के गटर साफ करते आए। देखो मुझे मेरे खानदान के बारे में पता है नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे नाना एक नंबर के चोर थे और मेरे दादा उससे भी बड़े चोर। एक मरतबा मेरे दादा मस्जिद का पंखा चोरी करते हुए पकड़े, लोगों ने उसका मुंह काला किया और गधे पर बैठा दिया। इसीलिए सर आपकी शक्ल भी चोरों से बहुत मिलती है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, वो आंख में सुअर का बाल चला गया। तो सर आपका अपना ही हुआ ना फिर? ये क्या? ये सर ये तो अच्छा कहाँ लेके जा रही थी? सर ये खाना ना खराब हो गया था, बहुत बदबू कर रहा था, तो मैंने सोचा अपने कुत्ते को डालूं। ये तो अच्छा हुआ कि आप मिल गए। अच्छा वो तुमने अपने नाम का मतलब पता किया? हाँ। तो बताओ निर्जरा का मतलब क्या? निर्जरा भंगनों में सबसे खूबसूरत लड़की। जब वो सड़कें साफ करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कालीन साफ कर रही हो। जब वो चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कचरे की भरी हुई सुजुकी जा रही हो। इसे कहते हैं निर्जरा। बहुत अच्छी। सालन भी बहुत अच्छा था और तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है। सर नाम तो आपका भी बहुत अच्छा है, राधे मोहन। अच्छा सर अब मैं जाऊं? जाऊं? ओके सर, लानत है सर। यू वेलकम। राधे ये क्या कर रहे? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही जरा झाड़ू मारना। अच्छा सुनो, झाड़ू लगाने के बाद बाथरूम भी साफ कर देना। पूरे शहर के बाथरूम साफ होंगे। आज से मैं राधे मोहन में स्वीपर हूँ। ठीक है ठीक है, लेकिन बाथरूम जरूर साफ कर देना। बिल्कुल। माली, शुगर है, मवाली नहीं बोला, फरमाइए। ये मकान नंबर B26 है। B26 सुनी, 26B है। वैसे फरमाइए। हमें इस घर के मालिक से मिलना है। इस घर का मालिक तो मेरी बीवी का शौहर है और वो मैं खुद हूँ। फरमाइए काम क्या है? दरअसल हमें राधे सर से मिलना है। राधे के सर से मिलना है? पूरे राधे से नहीं मिलना जी? नहीं मेरा मतलब है क्यों मिलना है? वो हम उन्हीं को बताएंगे, आप जाके कहें कि हम आए हैं। हम अच्छा ये पकड़े। नहीं मैं आई। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो तो ये कैप्सूल खा लीजिएगा जी। मेरा मतलब है आप लोग आराम से बैठे, राधे आते ही होगा। अच्छा असलम पानी ला दे। लाना था सर। अगर आप मुझे बता देते तो मैं गधागड़ी भेज देता। क्या पिएंगे आप? कुछ नहीं सर। नहीं नहीं कुछ तो पीना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक लाइए, फटाफट पैसे दीजिए, मंगाता हूँ।
ये ले, दो बोतलें और तिल के लड्डू लिया, बाकी के तू रख लेना। और सुन, सिगरेट इधर बस है, देता जाए यार, मेरे बाथरूम में खत्म हो गया। मंगवा भी लिया अगर कभी, ध्यान से तो भरी भी छोड़ना यार, अगर टिक्का विक्का खाना तो 1000 रुपये और दे। सुन वो गर्दन भी दे यार, ये ले पकड़। कैसी याद की इस्लाम थी? सर हमारी एक प्रॉब्लम। कौन है? सर ये मेरी दोस्त है मंजू। आप इनको बात करने देंगी? जी सर। आप कहीं नहीं जा रही? सर बात ये है कि सर वो हमारी बकरी कल्लू ले गया है और वो जो है ना वापिस ही नहीं कर रहा। और इतनी सी बात के लिए आप मेरे पास आ गई? अगर कोई हाथी होता, घोड़ा होता या गधा होता तो मैं आपकी मदद भी करता, लेकिन बहरहाल आपकी बकरी आपको मिल जाएगी। प्लीज सर आप ये उठाएंगे? जी उठाएंगे। आप रख दीजिए। बहुत क्लीन वैसे आप तो अभी चली जाएंगे ना? जी। तो आप बाहर निकल के पी लीजिएगा प्लीज। चीयर्स। प्लीज। ओके। ओके। लानत है सर। फिरी की बोतल में बड़ा टेस्ट होता है, और जब भंगी पिए तो मजा ही कुछ। वो दोनों का बॉस आज वो दोनों डेट मारने का। एक तो मैं तुम लोगों की रोज डेट मारने से बहुत तंग हूं, साले किसी दिन तुम लोगों की अपनी डेट एक्सपायर हो जाएगी। आओ आओ राधे मोहन। सुना है तुम निर्जरा की बकरी लेकर आए? बकरी लेने आए हो? ले जाओगे बकरी? झगड़ा करने की क्या जरूरत है, बेचता है? कितने पैसे देगा तू? तू कितने की देगा? 2000। कभी अपने भी खर्च कर लिया कर यार। 1500 है। 500 उधार करता है? तेरे लिए चलता है, लेकिन 500 दे देना, भरोसा कर। जा वहां खड़ी है बकरी, ले जा। वो बकरी है? हाँ। दूर से तो कुत्ता नजर आ रही है। हाँ। अच्छा, तो बकरी होगी। ये जानता है ना? कौन है तू? राधे का दोस्त हूँ। बकरी लेने आ। ए वो अब तक आए क्यों नहीं? जा जाकर देख उन दोनों को, साले निकल जाते डेट मारेंगे। कैसे हो निर्जरा? लाना थे सर। तुम्हारी बकरी का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है सर। आप इनको बात करने देंगी? जी सर बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन सर एक प्रॉब्लम हो गई है। ओके। हमारी बकरी दूध नहीं दे रही। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। क्यों, घर क्यों जाएगा? हो सकता है मुझे देख के देना शुरू कर दे। ओके सर, लाना थे सर। क्या बात है राधे, आजकल बड़ी नालते दे रही है। नहीं वो हस्ती बहुत अच्छा। अबे यार हस्ती तो उसकी दादी भी बहुत अच्छा है, इसकी नानी भी बहुत अच्छा है, तू कभी उनको देखने तो नहीं आया? नहीं वो क्या कहते हैं, वो पकोड़े बहुत अच्छे बनाते हैं। तूने पकोड़े भी खा लिए? छोड़ना है। वैसे राधे मुझे दाल में कुछ काला लगता है। पूरी दाल ही काली हो गई यार। राधे भैया फंस गए बरकत मसीह की बेटी से। छोड़ना यार। क्या छोड़ यार, छोड़ जब भी देखो छोड़, खराब करते रहते हैं। छोड़। राधे की अम्मी। क्या? मेरा मतलब राधे की भाभी। ये राधे कुछ बिगड़ नहीं गया?
पहले बिगड़ा हुआ था, अब बहुत सुधर गया है। सुधर गया? क्या मतलब है तुम्हारा? उसे एक लड़की से प्यार हो गया। उसे एक लड़की से प्यार हो गया? तो यकीनन लड़की को भी उससे प्यार हुआ होगा। हमें कभी उससे प्यार नहीं आया, उसे कैसे उससे प्यार हो गया? कौन है वो लड़की? वो जमादार की बेटी है। ये वही जमादार तो नहीं जो कपड़े उतार कर गटर साफ करता है? हाँ, उसकी बेटी है निर्जरा। बहुत खूबसूरत भंगन। बहुत खूबसूरत है? क्या मतलब? सड़क पर झाड़ू लगाते हुए परिस्थान की भंगन लगती है? बस मैंने फैसला कर लिया, मैं रिश्ता भंगियों में ही करूंगी। क्या अपने लिए भी कोई बरकत मसी देख लिया? देखने की क्या जरूरत है? आप तारा मसी से कम है क्या? तुम बस करो, टाइल बांध रही हो या बकरा बांध रही हो? वाली बातें कर रहे, मेरी कुछ समझ नहीं आ रही। इसी से तो पता चलता है कि तुम भंगन हो। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये और ये ताली। क्या वजह? ताली। ताली। ये मत समझना कि मैं खुश रहा हूँ। एक साला कितने घटिया अंदाज में समझा रहा है। मुझे समझो कि ये तुम हो और ये मैं। ये जिस तरह ये मिले हैं इसी तरह हमें मिल जाना चाहिए। अब तुम ये सोच रही हो कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं। दो चार दिन गंदी गंदी गालियां दूंगा तो खुद ब खुद मान जाएंगे, और अगर तुम्हारे बाने कोई गंदगी तो मैं उनकी धोती खींच कर भाग जाऊंगा। बात दरअसल ये है, सिगरेट पीता है मरेगा साला। राधे एक कश तो लगवा दे। राधे साबरी से निहारी तो ला दे। मैंने खुद दो दिन से नहीं खाई। राधे मैनपुरी खिला दे। छोड़ यार। राधे साइकिल तो सिखा दे। कोई फायदा नहीं, उसकी घड़ी घड़ी चेन उतर जाती। राधे मेरी शादी करा दे। तेरी क्या करूँ यार, मेरी तो खुद नहीं हो रहा। छोड़ दिया। ए राधे तेरे जमादार नहीं निर्जरा। यस नम। इसके भाई का नाम क्या? ओए भाई नहीं, उसका मंगेतर है। ओ बंदर की तरह रूठ जाता है। बात हुई है, अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ। जब देखो ड्रामेबाजी करता था। जी कल 5 बजे की। वैसे बात क्या है? साइकिल खड़ी कर दे। और ना भाईजान हमको जाने दे। ना भाईजान क्यों खड़ी करे साइकिल? बहुत जल्दी है जाने की, तेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है। ओ ना भाईजान क्या बात कर रहे, हमने इसको CNG कराया हुआ है। ओ कुत्तों के पीछे नोट लुटाने वाले। वो तो सीधी तरह बोलो तो तुम्हारे पीछे नोट लुटाने वाले। वाट लगानी पड़ेगी। ओ ना जी ये वाट क्या होती है? ये वाट होती है डांट से पहले लगती है। बस ओ ना जी आप हमको गलत आदमी समझ रहे हो। बल्ले हो गंजी फुसरी है जी। उस लड़के को पहचानता है? कौन? अबे वो जिसके चेहरे पे फिटकार बरस रही है। ओ ना जी नहीं। माल हो गया यार, तो भंगियों के भंगी को नहीं पहचानता। वो रिश्तेदार होता है तुम्हारा। ओ जी ये हमारा रिश्तेदार होता है, हमारे पाले का है। जाहिल पाले की तरफ से नहीं, फिर निर्जरा की तरफ से तुम्हारा रिश्तेदार होता है।
ना जी वो केस है, बहनो ही है तेरा। अच्छा अच्छा बहनो ही है, भाई बुला रहा तुझे चल। और ना भाईजान उसको बोलो कि वो इधर आ जाए, अब इतना बड़ा आदमी उतर जाएगा। मतलब वो इधर आएगा? हाँ तो क्या हो गया, चल के इधर आएगा, वो तो चल के कभी बाथरूम नहीं गया। हाँ चल चल जाता है ये और ना जी जा रहे, चल जा रहा भाईजान जा रहा। जी भाईजान एक बार मुंह खोलूंगा, ये मत समझना कि गटर खुल गया। मेरी यूनिट जिला की चल रही है पयन, क्या छाने बस है, और अगर आज के बाद तू तो उसको साइकिल पर बिठा कर लाया तो तेरी धोती में इतने पटाखे छोड़ूंगा कि तू तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकेगा, समझा? अरे निर्जरा तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं आगे बैठ जाऊँ, ठीक है? लाना थे सर। माय निर्जरा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, ये चप्पल। बहुत मुश्किल है मुझसे चोरी करना, लेकिन तुम्हारे पैरों में दो पट्टी की चप्पल बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं चाहिए। शर्मा क्यों है? बाथरूम में यही चप्पल इस्तेमाल होती है, और ये कोई मामूली चप्पल नहीं है, आसिफ बूट हाउस की चप्पल है। देखो मुझे ये चप्पल नहीं चाहिए, और मेरे घर में सब नंगे पांव ही बाथरूम में जाते हैं। खैर शादी के बारे में क्या ख्याल तुम्हारा? मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसे कोई विचार नहीं है। लेकिन उस दिन सफाई करते हुए तो तुम राजी हो गई थी। देखो सब लोग देख रहे हैं, छिछोरापन मत करो। छिछोरापन तो तुम कर रही हो, अब ले भी लो ना। देखो मुझे इस झाड़ू की कसम है कि मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मुझ में किस चीज की कमी है सिवाय कैल्शियम के? क्या मैं धुआं छोड़ता हूँ? क्या मैं चावल में चरस पीना भी खाता हूँ? बोलो निर्जरा बोलो। मेरी बात सुनो। छोड़ा मेरा दांती इंसान, कबर के कीड़े, फ्रॉन की औलाद। साले अंत
हुआ यार, वो बिल बतौड़ी के आशिकों ने मारा बहुत। वेरी गुड वेरी गुड। अबे तेरे जैसा मुंह लेके तो आदमी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी हकीम के पास जाते हैं, क्या समझता है तू? हम अगर तेरे दोस्त थे तो तेरा सारा काम करेंगे, तेरे छोटे भाई के पोतड़े धुलवाएंगे, हमारे घर के गटर साफ करेंगे। हाँ, अगर तू पकोड़े लेकर आ जाए तो हो सकता है कि हम लोग तेरे पाँव भी चाट लें। असलम, उतावन मत कर यार। सुना, यहाँ कोई दोस्त वोस्त नहीं है, यहाँ सिर्फ जमादारनी का मामिया है, मामिया। और वो जमादारनी देखना, किसी दिन इसके हाथ में झाड़ू देकर किसी दूसरे भंगी के साथ गलती हो जाएगी, गलती। तो इनको क्या सुना रहा है? मुझसे बात करना। क्या बात करूं तुझसे, मैं तेरे मुंह से तो प्याज की बदबू आती है। तू लोकमान्य मंजन वालों का बेटा है, मारेगा मुझे? मार, बस ये छपा ठंड लग जाएगी, चल मारेगा मुझे? या ना मार, राधे मार, ना राधे, मैं कह रहा हूं राधे, मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे, मार, मारेगा मुझे? देख राधे, मार पान मेरे खाते हो, गलती किसी और के साथ होगी, वो सुनो, ट्रेनर के बाथरूम साफ करने वाले भंगी, तू भी दो कनस्तर लेके जाएगा ना, कहीं से भंगी लगेगा, भंगी मारता बच्चे को, छोड़, फिर आगे मारेगा तेरे को। अबे डरा तो नहीं यार भाई, अब तो दो दो रोने वाले हो गए। तू तो बात ही ना कर कमीने, तेरी वजह से पिटाऊ मैं। चल यार, मारता सामने आना, मारता अभी अपने अब्बा को बुला के लाता हूं। जमादारनी को फंसा लिया, अब जब वो फंस गए तो चिरान कर रहा है। सुन, मेरी तरफ देख तो। लाना था तेरी शक्ल पे यार। हाँ, इतनी जल्दी मान गया यार, काश तू निर्जरा होता। यार फिर वही जमादारनी यार, इतना ही शौक है तेरे को तो उसके मोहल्ले में जाके गटर साफ क्यों नहीं करता उसके? क्या करूं यार, दिल तो बहुत चाहता है मगर वहां के जमादार नए आदमी को बर्दाश्त नहीं करते। सोचता हूं मेहनत करूं, मजदूरी करूं, अपने पैसों से 20-25 गटर बना दे उसके नाम का। हमारी दुआएं तेरे साथ है दोस्त। बहुत तकलीफ होगी, उसने मुझे फिरौन का बच्चा कहा, अगर इबलीस का बच्चा कहती तो इतनी तकलीफ ना होती। आजकल मस्जिद से जूते चुराना कितना मुश्किल काम है, पुलिस भी बाहर खड़ी होती है। बस मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं निर्जरा को उठाकर भाग सकूं, इतनी ताकत दे दे मुझे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇ, ਕੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਓ ਓ ਓ ਨਿਰਜਰਾ, ਓ ਇਧਰ ਆ ਬਈ ਨਿਰਜਰਾ, ਤੁਸੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੇ। ਓ ਬਈ ਨਿਰਜਰਾ, ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਰ ਕਾ ਬੱਚਾ ਰਾਧੇ, ਵੋ ਤੁਸੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਂਤੀ ਸੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਓ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਉਸੇ ਮਿਲ ਤੋ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तुम्हारा क्या नुकसान होगा? वो मेरी चुम्मी ले लेगा। वो तुम्हारी चुम्मी क्यों लेगा? और निर्जरा, वो कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल में निर्जरा की तस्वीर नजर आती है, तुम सिर्फ एक बार उससे मिल लो। नहीं मिलूंगी, कहा ना। और मिल ले वरना मेरा कमीशन मारा जाएगा। क्या? और वो चुम्मी भी लेगा चक मार के। कैसे बेगैरत मंगेतर हो तुम, तुमने उसे थप्पड़ नहीं मारा। और निर्जरा, शट अप। हैं? और निर्जरा, ले भाई गंजे, अब तो तेरी हो गई छुट्टी, वो तेरी चुम्मी भी लेगा और चक भी मारेगा।
खान की फिल्म देखी है, यही स्टाइल हो गया मेरा। नाई भी मुझे गालियां देते हैं कि कुत्ते के बच्चे बाल क्यों काट देता, लेकिन मैं सोचता हूं कि कितने बेवकूफ होते हैं वो लोग जो हर 15 दिन में बाल कटवाते हैं। इससे अच्छा तो टेन करा ले, खर्चा तो मुझे, लेकिन मैं टेन नहीं करूंगा। इसलिए टेन नहीं करूंगा वरना लोग मुझे देखकर कहेंगे कि अमरूद पर अंडा रखा हुआ है। और मैं ये भी नहीं सुन सकता कि लोग तुम्हें टकलेंगे ही कहें। सच तो का कोफ्ता मुझसे चिरान कर रहा है। अगर अगर अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया तो मैं चलूंगा। चले जाओ यहां से, वरना मैं तुम पर मलहम वाला थूक फेंकूंगा। तुम समझोगे कि 5वें फ्लैट से किसी ने मलाई फेंकी। चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारे इलाके में गटर खोलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मिलकर सड़कों पर झाड़ू देना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। थाना के मेरी माशूक का डांस मत देखियो, इलेक्शन भी जीत गया और डांस भी देख लिया। देख मैं तुझे भी कहता हूं मुझे बच्चों के सामने मत मारना वरना बहुत जलील हो जाऊंगा मैं। और मैंने तेरी माशूक का डांस कोई फ्री में नहीं देखा, उसे पैसे दिए हैं। क्या बकवास, Thank you.
क्या हो गया? तबीयत खराब, तबीयत खराब। लगता है सर में मामूली सा दर्द है। अभी इंजेक्शन लगाता हूँ, करो उसको। राधे का एक्सरे। आपका ताल्लुक किस फैमिली से है? कुत्ता फैमिली से जी। ये सही कह रहा है डॉक्टर साहब, इसीलिए इन्होंने अपनी बहन हमारे खानदान में दी। असल में मेरे वालिद शिकारी बुलडॉग थे, दुम थोड़ी टेढ़ी थी उनकी। मैं खुद कस्टम में चरस सूंघता हूँ। वालदा मेरी अल्सेशियन रशियन थी। हम लोग कुत्ते के बच्चे हैं। वेरी नाइस। इसी वजह से राधे के दिमाग में बड़े बड़े कीड़े पड़ गए। ये कीड़े मरेंगे कैसे डॉक्टर साहब? आपके अपने कीड़े कैसे मरे थे? ऑफ कोर्स मेरे कीड़े तो आपको देखते ही मर गए थे, लेकिन राधे के लिए एक शख्स है जिसके आगे हमारी मेडिकल साइंस भी जो है बिल्कुल तेल हो चुकी है। कौन है? एक मलंग बाबा जो झाड़ फूंक और कीड़े निकालने का मास्टर है। आप उस मलंग बाबा की बात कर रहे हो? अरे भाभी मैं जानता हूँ, आप राधे को वहां मत भेजिएगा। ये अपना जुम्मन भी वहां गया था अपना कीड़ा निकलवाने के लिए। क्या मतलब? कीड़ा तो नहीं निकला, जुम्मन ही ऊपर निकल गया। अब आप ही लोग यहाँ बैठे। ये ठीक कह रहा है, फिर भी हमें ट्राई कर लेनी चाहिए। उसका कोई मोबाइल नंबर है? आप ऐसा करें कि राधे को किसी भी कचरा कुंडी में फिकवा दे, उनकी गाड़ी आके उसको ले जाएगी। ठीक है। क्या फैसला किया आप लोगों ने? आप राधे को उस मलंग के पागलखाने भिजवाएंगे? हाँ सुनो, जरूरी है, क्योंकि अगर वो बाहर रहा तो किसी को भी काट के पागल कर सकता। अरे दिमाग खराब हो गया आप लोगों का, इससे बेहतर है उसे रसगुल्ले में जहर मिला के खिला दे। कम से कम मेरा दोस्त कुत्ते की मौत तो मरेगा। नहीं असलम नहीं, मैं उसे तेरी मौत मरते हुए नहीं देख सकता। मैं तो देख सकता हूँ, मैंने चश्मा भी नया बनवाया। अरे आप उसे क्यों मलंग के पागलखाने भिजवा रही? वरना लोग कहेंगे मस्त मलंग जगीता ही, साडा दिल तंग जगीता ही। इससे बेहतर है आप मुझे दे दे राधे को, मैं उसे अपने मुर्गियों के दड़बे में रखूंगा। अरे एक छटाक बाजरा ही तो खाएगा, उसे मलंग के पागलखाने भिजवा रही है आप? अरे थोड़े से बाल उसके और बड़े कर दें, वो तो खुद मलंग लगेगा। इससे बेहतर है किसी चौक पे बिठा दे उसको, ठीक ठाक दिहाड़ी कमाएगा भाभी, ठीक ठाक दिहाड़ी। चुप कर बेशरम, तेरी खुद की बहन एक हीरोइन जी के साथ भाग गई थी, तू क्या राधे को रखेगा? नहीं बेगम, ये राधे के दोस्त है, उसकी मोहब्बत में ऐसा बोल रहे हैं। रह गया सवाल इसकी बहन का, तो वो तो अपनी माँ भी गई है, उसकी माँ भी तो एक मवाली के साथ भागी थी। तेरी हरकतों से, अरे अरे कुछ तो बोल खाने के बच्चे, कुंवारी मुर्गी की नस्ल, तूने परेशान कर दिया मुझे, तंग कर दिया तूने मुझे, तंग। ये क्या कर रहे? देखो देखो देखो, मैं इसे कितनी गालियां बक चुका हूं, बुरा भला बोल चुका हूं, मगर ये मुझे पलट के जवाब ही नहीं दे रहा। देख 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 भाई, देख मुझे मार, मुझे नोच, मुझे राधे भाई, हम दोनों मोहल्ले की पुलिया पे बैठेंगे, मेंढक पकड़ेंगे, लड़कियां छेड़ेंगे, मैं तेरे साथ, मैं भंगी बन के तेरे साथ गली मोहल्ले में झाड़ू लगाऊंगा, गंद करेंगे मोहल्ले में। देख राधे, बोल कुछ तो, बोल कुछ तो, बोल मेरे भाई, कुछ तो। अब चले भाभी, राधे को लेने गधा गाड़ी आ गई। अब तू तो वहां जा,
बगैर गधे के गाड़ी देख के लोग क्या कहेंगे? आपको भी मेरे साथ चलना होगा भैया। वो एक गधे की नहीं, दो गधे की गाड़ी है। चोर चोर, दरवाजा खोलो। और ये तो निर्जरा की आवाज है। ओ निर्जरा, आ भाई इधर बैठ। लेकिन एक बात तो बता, तू इतनी रात को? मुझे ना राधे से मिलना है, मुझे पागल खाने ले चल। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो वो पागल हो गया है। और लेकिन अब मेरा कमीशन भी नहीं देगा वो। लेकिन एक बात है, क्या? वो मेरी चुम्मी जरूर लेगा। बकवास बंद कर और मुझे राधे के पास ले चलना। अच्छा, बहुत जरूरी है? हाँ। चल तो फिर ठीक है, मैं तुझे कल ले चलूंगा। अब तू जा। चलो ठीक है, देख के जाना। ठीक, चलो मैं सो ही जाओ। जी 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 मालिक, मेरे गोदाम की सफाई कर दी। ऐसा एवं चमचमाया मालिक, आप देखेंगे खुश हो जाएंगे। ये लो अपनी खोली की चाबी। वो किधर गई मेरी बच्ची निर्जरा? वो अपने गंजे मंगेतर के साथ जो है ना पागल खाने गई है राधे से मिलने। पागल खाने गई राधे से मिलने? हाँ, कह रही थी मैं देर से आऊंगी, चाबी बाबा को दे देना। बड़ी मेहरबानी मालिक, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। राधे से मिलने पागल खाने गई। जी देखो कैसे सो रहा है, ऐसे नहीं लग रहा जैसे कुत्ता पड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी जर्सी माँ का बच्चा सोया हुआ। इसका जख्म देखो कितना बड़ा जख्म हो गया है, और लगता है इसका खून खराब है, मकोड़े भी इसके करीब नहीं आ रहे। ओ किधर गई निर्जना? ओए ओ इन पागलों में मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? ओ निर्जना, ओ निर्जना।
जरा बात सुनो भाई, मैं जा रहा हूँ जरा काम पे, तुम जरा बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है ठीक है। हाँ मैं जा रहा हूँ। अच्छा बात सुनो, हाँ। वापसी में सब्जी लेते आना। अच्छा जी। मामू है बेटा।